और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो चिट्ठी थी उनके बीच कि भाषाई मर्यादा होनी चाहिए, भाषाई गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बहुत ही विवादित बयान दे दिया, सिर कलम करने की धमकी दे दी बिट्टू के, रवनीत सिंह बिट्टू। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसको समझिए कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी कि भाषाई गरिमा होनी चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी के बीच ही तेलंगाना कांग्रेस के एक नेता ने रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर कहा कि जो भी सर काट कर लाएगा वो उसे अपनी पुश्तैनी जमीन इनाम में दे देंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नेता हैं साहब, ये कांग्रेस विधायक, अच्छा विधायक हैं, एमएलए हैं, छोटे मोटे नेता नहीं है, ये तेलंगाना कांग्रेस के विधायक हैं और इनका नाम है वेदमा बोज्जू इनका नाम है, तेलंगाना कांग्रेस के विधायक हैं, चेहरा इनका सामने है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई खड़गे जी की तरफ की, सोच समझ कर बोलना चाहिए, भाषाई गरिमा बनाकर रखनी चाहिए, ये सारी चीजें। अच्छा जवाब भी दिया रवनीत सिंह बिट्टू ने, रवनीत सिंह बिट्टू ने इसको कोई और एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि 1984 टू 2024 कांग्रेस हैजंट चेंज्ड, दे सॉट सिक ब्लड देन एंड दे सीक इट टुडे एज वेल। अच्छा रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं 1984 से 2024 तक कांग्रेस जरा भी नहीं बदली है, वो तब भी सिखों के खून की प्यासी थी और वो आज भी खून की प्यासी है। खड़गे जी मोहब्बत की दुकान, सोच कर देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी, टाइमिंग बहुत खराब हो गई तेलंगाना कांग्रेस के विधायक की, मतलब अभी चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस को ऐश था, मतलब उन्होंने चिट्ठी लिखी, हालांकि नड्डा जी ने 110 गालियां गिना दी थी लेकिन कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की चिट्ठी के बीच तेलंगाना कांग्रेस का बयान अगर हम सुना दे, एक बार सुना दीजिए, तेलंगाना कांग्रेस के जो विधायक है उनका बयान एक बार सुना दीजिए, वो बयान, अच्छा वो बयान जो है जिसमें वो सर कलम करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर कलम जो है जो करके देगा उसको मैं इतने बीघा जमीन दे दूंगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अब जो है वो 84 और 2024 में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं बदली है, पहले भी सिख उनके निशाने पर रहते थे और अब भी। अच्छा सुना देते हैं, आप आ गया बयान, आ गया, सुना दीजिए एक बार, सुनाइए तेलंगाना कांग्रेस के विधायक है, सुनाइए। మా నాన్న సంపాదించిన భూమి ఒక్క ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తుకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం. ఏజే కానపూర్ శాసనసభ్యుడు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి ఒక్క ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను. తప్పకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం. ఏజే కానపూర్ శాసనసభ్యుడు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి ఒక్క ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తుకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం. तेलंगाना कांग्रेस के विधायक हैं,